यदि मनुष्य को सत्संग का बुलावा आ जाए कि चलो वहां सत्संग है, वहां कथा है, समझ लेना कि भगवान के दरबार की नौकरी पक्की। वो ज्वाइनिंग लेटर भेजा है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। सत्संग क्या है? सत्संग ही ट्रेनिंग सेंटर है। इसको आरंभिक आध्यात्मिक पाठशाला कहा जाता है। पहले ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, उसके बाद नियुक्ति होती है। यहां सत्संग सुनते सुनते आप ट्रेंड हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। जब आप परिपक्व हो जाएंगे, सुयोग्य हो जाएंगे, भगवान के दरबार के लायक बन जाएंगे, तो भगवान के दरबार में रखे जाएंगे ना। और यदि योग्य बने बगैर पहुंच गए तो जय विजय की तरह वापस भी आना पड़ सकता है। समझ गए कि नहीं बात? तो जाकर के वापस आना चाहते हैं क्या? नहीं ना। संतों का आदर करना कहां सीखेंगे आप? सत्संग में सीखेंगे। जय विजय ने संतों का आदर नहीं करना सीखा। पहुंच तो गए भगवान के दरबार में, नौकरी भी लग गई, लेकिन ये नहीं आया कि संतों का सम्मान किया जाता है, उन्हें रोका टोका नहीं जाता। रोका ही नहीं, दंडा दिखा करके प्रहार किया। तो क्या हुआ परिणाम? राक्षस बनना पड़ा। मालूम है कि नहीं? द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। विप्र शापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए। महात्मा के श्राप से तीन जन्म तक असुर बनने का श्राप लगा। इसलिए ये सत्संग ट्रेनिंग सेंटर है, आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। सत्संग सुनने के लिए आएंगे तो आपके अंदर भक्ति महारानी निवास स्थान बना लेगी। जब भक्ति महारानी का निवास हो गया तो कहते हैं क्या कहते हैं? सकल भुवन मसति हृदय शाम श्री हरे भक्ति रेका। भगवान निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तृसूत्रोपनद्ध। जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास हो जाए, वो व्यक्ति निर्धन होते हुए भी, वो व्यक्ति कंगाल होते हुए भी धनवान है, धन्य है उसका जीवन, क्योंकि इसके हृदय में भक्ति का आगमन हो गया है। भक्ति विहीन सकल सुख कैसे, 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 भवन बिना